ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्टवेयर लिमिटेड क्या नाम है? रजिस्टर्ड कैपिटल कितने हैं इनके? ₹5 लाख, ₹5 लाख की शेयर कैपिटल है। इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो इनके पास टोटल शेयर्स होंगे कितने? 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये है रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी विच द कंपनी कैन रेज थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। बट इट इशूड 20,000 शेयर्स, इट इशूड 20,000 शेयर्स। इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच द कंपनी इशूज टू द पब्लिक। अभी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है ज्यादा की, मेरे पास 5 लाख का ऑप्शन है, बट अभी मेरी रिक्वायरमेंट 2 लाख की है, तो मैं 20,000 शेयर ही इशू करूंगा अभी। और टेबल क्या है, हमेशा ऐसे लिख लेना चाहिए, गलती नहीं होती। एप्लीकेशन टू फोर ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू सेकेंड कॉल टू। तो ₹10 का शेयर है, कोई प्रीमियम नहीं है, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, ठीक है। ऑल द मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। अलॉटमेंट तक कहानी अच्छी चली, बट ऑन फर्स्ट कॉल बींग मेड, वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स। एक शेयर होल्डर था जिसने अपने पूरे बैलेंस, फर्स्ट कॉल भी दे दी, सेकेंड कॉल भी दे दी 300 शेयर्स की फर्स्ट कॉल के टाइम। एंड फाइव शेयर होल्डर्स, वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर, तो 300 शेयर्स वालों का तो एडवांस आ गया। फाइव शेयर होल्डर्स विद अ टोटल होल्डिंग ऑफ 1,000 शेयर्स, तो मुझे नंबर ऑफ शेयर से मतलब है। 1,000 शेयर्स पे क्या हुआ? फेल्ड टू पे देयर ड्यूज ऑन द फर्स्ट कॉल। दे फेल्ड टू पे देयर ड्यूज ऑन द फर्स्ट कॉल। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। ये शेयर्स फॉरफिट हो गए। अब अगर तो फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट हो जाते हैं शेयर्स, उसके बाद जब फाइनल कॉल मांगेंगे तो वो शेयर्स अब एग्जिस्ट नहीं करते। टोटल 20,000 शेयर्स थे, जिसमें से 1,000 शेयर्स आपने फोरफीट कर दिए। फाइनल कॉल वॉज मेड एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। फाइनल कॉल जब मांगेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, फाइनल कॉल विल बी मेड ऑन 20,000 माइनस 1,000, 19,000 शेयर्स। अरे भैया, मेरे पास कोई स्टूडेंट था, वो सितंबर में छोड़ के चला गया, तो मैं कैंसिल हो गई ना उसके एडमिशन, तो मैं उससे लास्ट क्वार्टर की फीस थोड़ी ना मांगूंगा जो 3 क्वार्टर की दे के चला गया, नहीं मांगूंगा। ऐसे ही शेयर्स थे, अगर आपने फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफीट कर दिए तो आप कह रहे हो चलो कोई बात नहीं, वो सब तो ठीक है, सेकेंड कॉल तो दे दो। कैसी बातें कर रहे, तो आप उससे सेकेंड कॉल नहीं मांगोगे। अब कहानी में आगे क्या लिखा है, लेटर ऑन फोरफीटेड शेयर्स वर रीइशूड। फाइनल कॉल के बाद, फाइनल कॉल हो गई उसके बाद रीइशू की एंट्री भी पास करनी है। शेयर्स वर रीइशूड एज ₹6 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप, तो चलो फिर से खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो बेटा परीना, आप बताओ रीइशू के टाइम शेयर कितने का, शेयर कितने में रीइशू हो रहा है? सर 10 का 6 में रीइशू हो रहा है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, ₹100 आपके पूरे हुए। तो 6 पर शेयर, शेयर्स वर इशूड एट ₹6 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप मतलब उसकी एक्चुअल वर्थ 10, हम दे रहे हैं ₹6 में, तो 10 का शेयर ₹6 में, ठीक है, वो तो रीइशू। यहाँ पे फर्स्ट कॉल के बाद शेयर्स फोरफीट हो गए, उसके बाद फाइनल कॉल मांगी, तो फाइनल कॉल मांगी तो 19,000 शेयर्स पे, उसके बाद रीइशू हो रहे हैं। अगर फर्स्ट कॉल के बाद शेयर्स फोरफीट हो रहे होते और लिखा होता शेयर्स वर इमीडिएटली रीइशूड, तो इमीडिएटली रीइशू हो गए। अब जब फाइनल कॉल मांगेंगे और अगर वो शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं होंगे, तो उस केस में उनसे भी फाइनल कॉल मांगेंगे।
लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में क्या दिया होता है कि या तो लास्ट कॉल के बाद ही फोरफीट हो रहे हैं तो सबसे पूरे पैसे मांगेंगे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, ओके मैंने अभी शेयर फोरफीट नहीं करे तो मैं उससे सेकंड कॉल भी मांगूंगा, उसने सेकंड कॉल भी नहीं दी, मैंने फोरफीट कर लिए, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और मैंने उसके शेयर फोरफीट कर दिए तो अब मैं उससे सेकंड कॉल नहीं मांगूंगा। इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा। क्वेश्चन अच्छा है बेटा, क्योंकि इसमें कॉल्स इन एडवांस भी यूज होगा, कॉल्स इन एरियर्स भी यूज होगा, और बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि जब फाइनल कॉल मांगेंगे तो कितने शेयर से मांगेंगे वो चीज भी होगी। ये क्वेश्चन तो बेटा मैं पूरा करके दिखाऊंगा। इसमें मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ अलॉटमेंट के बाद की कहानी करूं, क्योंकि एडवांस भी यूज हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगा, जर्नल का फॉर्मेट बनाऊंगा, आप आराम से समझेंगे। तो जर्नल में कैसे दिखाएंगे इसको जल्दी से देख लेते हैं। 20,000 शेयर्स हैं, 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकंड कॉल। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं हुई तो 2 रुपए, 4 रुपए, 20,000 शेयर्स। तो पहली एंट्री, डेट हमारे पास नहीं है, डेट का कॉलम फिर भी बनेगा। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड। चेक करना चाहिए कि इक्विटी शेयर्स तो मेंशन नहीं है, नहीं है तो सिर्फ शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर कैपिटल, 20,000 और एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज, तो 20 × 2 40,000। ठीक है, यार नरेशन तो आपको लिखनी आती है, बट फिर भी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ रुपीज 2 पर शेयर रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स प्लीज। इसी तरीके से हम बाकी सारी भी लिख देंगे। फिर सॉरी, पहली एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहले पैसा आया, लिखा एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो वो लिखा तो इसलिए उससे रिलेट किया ना कि ऊपर गलती से शेयर कैपिटल आ गया। नेक्स्ट एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये क्या हो रहा है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ओके जी, एप्लीकेशन स्टेज डन। नेक्स्ट क्या है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे क्या है, अलॉटमेंट पे है 4 रुपए, कोई एडवांस नहीं, कोई एरियर्स नहीं, तो पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं, 20,000 × 4 ₹80,000, कोई एरियर्स नहीं, कोई एडवांस नहीं, तो मतलब पूरे 80,000 मिल गए। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 80,000 आ गए। अब आएगा असली मजा, फर्स्ट कॉल, जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई तो नॉर्मल एंट्री है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल कितनी है, लेट मी वेरीफाई, 2 रुपीज थी आई थिंक, हाँ 2 रुपीज ईच है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो फर्स्ट कॉल 20,000 × 2 40,000 ड्यू थे। अब ध्यान से देखना बेटा, बड़ा ही सिंपल सा वर्किंग नोट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, ध्यान से देखना, वर्किंग नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला वर्किंग नोट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट कॉल और कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। अब ध्यान से देखना, मनी ड्यू मिलने कितने चाहिए थे, 20,000 × 2 40,000 मिलने चाहिए थे, थोड़ी दूर लिख रहा हूं, ठीक है,
अमाउंट इन रुपीज. ओके, एड कुछ एक्स्ट्रा मिल गए कॉल्स इन एडवांस और लेस कुछ एरियर्स हैं कॉल्स इन एरियर्स. कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिल गए और कुछ पैसे मिले ही नहीं. एडवांस कितना है ध्यान से देखना. वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स. तो 300 शेयर्स पे एंटायर बैलेंस, बैलेंस मतलब फर्स्ट कॉल तो मांगी थी देनी थी, सेकंड कॉल भी दे दी. फर्स्ट कॉल तो देनी थी, फर्स्ट कॉल तो नॉर्मल है. एक्स्ट्रा एडवांस होता है कि उसके एक्स्ट्रा कितने दे दिए. तो 300 इंटू 2 600 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गए. तो अभी तक कितने मिल गए 40,600. कह रहे बट कुछ एरियर्स भी है. एरियर्स कितने हैं वो माइनस कर देते हैं. एरियर्स कितने हैं देखते हैं क्वेश्चन में. फाइव शेयर होल्डर्स विद अ टोटल होल्डिंग ऑफ 1000 शेयर्स. टोटल होल्डिंग 1000 शेयर्स ही हैं. फेल टू पे द फर्स्ट कॉल. तो 1000 पे फर्स्ट कॉल नहीं मिली. तो एरियर्स कितने हैं 1000 into 2 2000 rupees नहीं मिले. तो टोटल कितना हो गया ध्यान से देखना 38,600. क्या है ये मनी रिसीव्ड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, समझ आना चाहिए. लॉजिकल तो है, माइंड में भी कर सकते हो बट गलती ना हो. कितने मिलने चाहिए थे, कितने एक्स्ट्रा मिल गए, माइनस कितने एरियर्स थे. अब इसकी जर्नल एंट्री मनी रिसीव 38,600, एरियर्स 2000, एडवांस 600. अब ध्यान से देखना. बैंक अकाउंट डेबिटेड. बैंक में क्या आएगा जो पैसे मिले. तो क्या कैलकुलेट किया हमने 38,600. कॉल्स इन एरियर्स. कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड. कॉल्स इन एरियर्स में कितना आएगा 2000. टू शेयर फर्स्ट कॉल. टू शेयर फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल पे मिलने कितने चाहिए थे 40,000. टू कॉल्स इन एडवांस. एक्स्ट्रा कितने मिल गए 600. इस एंट्री में किसी को कोई डाउट अभी तक. किसी को कोई डाउट. ओके ओके. अब ये शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं. कितने शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं जिन पे एरियर्स है. एरियर्स किसमें 1000 और सिर्फ फर्स्ट कॉल के एरियर्स थे. बाकी बेचारा सारा टाइमली दे रहा था बट बड़ी ही निर्दयी कंपनी निकली कि उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी और शेयर्स हो गए फोरफिट. तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स. टू फोरफिटेड शेयर्स. अब ध्यान से देखना बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो बार बार बोलता हूँ. शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अ पोर्शन. पूरा क्वेश्चन कर रहे तो उसका लॉजिक आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. कितने शेयर्स हैं 1000. फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अ पोर्शन. फाइनल कॉल तो अभी उससे मांगे ही नहीं तो मांगे ही 8 रुपए थे. तो शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड विद 8000. क्यों. एप्लीकेशन जब ट्रांसफर हुई कैपिटल में तो एप्लीकेशन आपने कैपिटल में ट्रांसफर कर दी. तो यहाँ पे 2 रुपए शेयर के कैपिटल आपने लायबिलिटी मान ली टुवर्ड शेयर होल्डर. फिर जब अलॉटमेंट के 4 रुपए ट्रांसफर करे तब जाके कैपिटल में 4 रुपए और आ गए. तो 6 रुपए आपने लायबिलिटी मान ली टुवर्ड शेयर होल्डर. फिर जब फर्स्ट कॉल 2 रुपए और ड्यू हुई तो अब आपने 2 रुपए और 8 रुपीज आपकी लायबिलिटी टुवर्ड द शेयर होल्डर हो गई. अब जो शेयर्स कैंसिल कर रहे हो तो जब शेयर कैपिटल ही अभी तक 8 रुपीज की हुई है और अभी अगर शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं तो जो कैंसिल होगी जो रिवर्स होगी शेयर कैपिटल वो भी तो उतने से ही रिवर्स होगी जितनी आप अभी तक क्रेडिट कर चुके हो. इसीलिए शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन. अब जब आपने फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करी थी तो आपने दिखाया था कि 40 मिलने चाहिए थे लेकिन मिले तो 38,600 जिसमें से 600 एडवांस है. तो 2000 एरियर्स नहीं मिले. तो 2000 आपने एरियर्स में बैलेंस शो कर दिया डेबिट बैलेंस रिसीवेबल. कह रहे अब तो शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं तो इसीलिए वो कॉल्ड इन एरियर्स क्रेडिट कर देते हैं रिवर्स कर देते हैं.
जो पैसे मिले 6000 फोरफीटेड शेयर्स में चले गए। अब ये शेयर्स कैंसल हो चुके हैं, अब ये शेयर्स एग्जिस्ट नहीं करते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिटेड। अब जब सेकंड कॉल मांगेंगे तो शेयर कैपिटल, अब जब सेकंड कॉल मांगेंगे तो कितने शेयर से मांगेंगे, 19,000, तो 19,000 इंटू 38,000 सेकंड कॉल मांगी जाएगी। पूरे 20,000 पे सेकंड कॉल नहीं मांगेंगे, उतने शेयर्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब 38,000 आपने मांगे, वर्किंग नोट ये वाला इजी है, इसमें से 600 रुपए आपके पास ऑलरेडी आए हुए हैं, ये एडजस्ट हो जाएंगे। अब बाकी कोई एरियर नहीं है तो बाकी पैसे मिल गए होंगे। तो ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस डेबिटेड, आप यूज कर रहे हो उसको अब डेबिटेड। टू क्या है ये, शेयर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल कितने की है, 38,000, जिसमें से 600 रुपए आपके पास पहले से आए हुए थे तो वो यहां आ गए, यूज हो गए, सेट ऑफ हो गए। जो आपकी लाइबिलिटी पड़ी हुई थी 600 की, क्रेडिट किया था तो आपकी लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि अभी तो ड्यू नहीं थे, पहले से आ गए पैसे तो अब वो यूज हो रहे, तो इसलिए वो सेट ऑफ कर दिया। बाकी पैसे आपको मिल गए, कितने पैसे मिल गए, 37,400। अब फोरफीचर हो चुका है, रीइशू अब हो रहा है। हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज बताएगी सारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। लेटर ऑन फोरफीटेड शेयर, कुछ बोलना है बेटा, कोई डाउट? चलो, लेटर ऑन फोरफीटेड शेयर्स वर रीइशूड एट ₹6 पर शेयर एज फुली पेड अप। तो ₹10 का शेयर ₹6 में रीइशू हो रहा है, कितने शेयर्स, सारे के सारे शेयर्स, तो 1000 शेयर्स। तो रीइशू की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड, सॉरी रीइशू की एंट्री है, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ₹10 का शेयर ₹6 में रीइशू हो रहा है, कितने शेयर्स हैं, 1000, तो 1000 इंटू कितने का, ₹6 का, तो ₹6000 आए आपके पास, ₹4000 का आपने डिस्काउंट दे दिया, ₹4 पर शेयर, और कैपिटल में आ गया फुली पेड अप, तो ₹10। 1000 × 4, 1000 × 10, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लास्ट एंट्री फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, तो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर्स फोरफीट हुए, कितना अमाउंट फोरफीट हुआ था, फोरफीट हुए थे ₹6000 फोरफीट हुए थे, सारे के सारे शेयर्स रीइशू हो रहे हैं, तो 4000 का आप डिस्काउंट दे रहे हो, सिंपल सी कैलकुलेशन, 2000 का आपका प्रॉफिट हो गया। आपकी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे, आपने लिखना नहीं है एग्जाम में, 6000 - 4000। जब सारे शेयर्स ही रीइशू हो रहे हो तो आपकी कहानी बड़ी ईजी हो जाती है, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता कि अगर 1000 शेयर्स फोरफीट हुए तो इतने थे, अगर उसमें से 800 शेयर्स ही रीइशू हो रहे हैं तो पहले उनपे कितना फोरफीट हुआ है वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद आगे कहानी होगी। जब सारे शेयर्स रीइशू हो रहे हो तो आप डायरेक्टली अपना कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हो। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें हमने क्या क्या सीखा, एक सीखा कि अगर फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर्स फोरफीट हो जाए तो उनसे सेकेंड कॉल नहीं मांगी जाएगी। दूसरा हमने सीखा, जो हम ऑलरेडी सीख चुके थे, एरियर्स भी हैं, एडवांस भी हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। ये कैलकुलेशन बेसिक सा वर्किंग नोट है, बना लोगे तो गलती नहीं होती, माइंड में कैलकुलेशन हो जाती है, बट फिर भी आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, वर्किंग नोट पहले से आपको बनाना आता होगा तो आगे एडवांटेज पे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 TS वेवा।